हम तकरीबन एक घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हम सुली बजती सी जाई खई का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम है आपका फिर और एक बार मेरी चैनल सफर और मंजिल में। मैं नासिर अहमद पीर आज आपको एशिया के लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन पे लेके जा रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सफर और चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। ये देखो यहाँ पूछते हैं, हम सबसे पहले जाम में फंस गए। हम तकरीबन एक घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, हम आगे जाएंगे, लेकिन अब हम यहीं पे गाड़ी से उतरे और हम अब पैदल चलते हैं। ये देखिए कहाँ तक जाम लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से रास्ता शुरू होता है ट्यूलिप गार्डन की तरफ। ये देखो कितने लोग वहाँ तक जा रहे हैं, तो हम भी आगे चलते हैं। गाड़ी यहीं तक रुकती है क्योंकि ट्रैफिक वाले यहाँ से गाड़ी आगे नहीं लेने देते हैं। मेला है क्या? पैदल चलते चलते बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा, और ट्रैफिक जाम में भी हम बहुत एग्जॉस्ट हुए। तो चलो हम कुछ खाते हैं, यह है बेल पूरी, यह हम खाते हैं और चलते हैं आगे। बेल पूरी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कभी आप भी ट्राई करना। और फाइनली हम पहुंच गए ट्यूलिप गार्डन के पहले एंट्री गेट पे। यह पहला एंट्री गेट है, यहाँ से भी अंदर जाते हैं, लेकिन हमें टिकट आगे लेनी है। तो हम आगे पहले टिकट लेते हैं और वहाँ पे भी एक एंट्री गेट है, वहाँ से हम अंदर जाएंगे। तो चलो हम यहाँ पे, मतलब हम श्रीनगर पहुँचे थे 9 बजे और हम ट्यूलिप पहुँचे 11 बजे, मतलब हमें 2 घंटे लगे लाल चौक से ट्यूलिप गार्डन तक। वो इतना पूरा ट्रैफिक जाम था, इतने ज़्यादा लोग थे, आप देखो मतलब इतने ज़्यादा लोग हैं कि हम चल भी नहीं पा रहे हैं। तो गाड़ी की दूर की बात है कि हम गाड़ी यहाँ तक ला सकते। तो अब हम यहाँ से टिकट लेंगे और चलेंगे सीधा ट्यूलिप गार्डन के अंदर। एज़ यूजुअल मेरा कज़िन ही जाता है टिकट लेने के लिए, ये गया टिकट लेने यहाँ पे। मेरे कज़िन ने टिकट ले ली, अब वो मुझे लोगों में ढूंढ रहा है ये कहाँ पे है। मैं यहाँ साइड में आ गया था तो मैंने अब इसको बुलाया कि मैं यहाँ पे हूँ, अभी आएगा वो टिकट लेके। ये आया मेरा कज़िन टिकट लेके, ये हमारी 2 टिक्स हैं। तो यहाँ पे 60 रुपीज़ में एडल्ट्स के लिए एक टिकट है, मतलब 120 में हमें टिकट 2 पड़ी। तो अब हम चलते हैं ट्यूलिप गार्डन के अंदर, ये है मेन गेट ट्यूलिप गार्डन का। तो फाइनली बहुत ज़्यादा, मतलब सेक्रीफाइस हम कह सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी गेट के बाहर, तो हम अंदर आ गए, गेट के अंदर आ गए हम ट्यूलिप गार्डन के। और ये देखो ये पहला व्यू पॉइंट है एंट्री गेट के अंदर ही, ये पहला व्यू पॉइंट है। तो चलते चलते अचानक मेरे कानों में कुछ आवाज़ें आने लगी यहाँ ट्यूलिप गार्डन के अंदर। तो हम उसी आवाज़ का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। और आप भी देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है।
چون رکھ پوش من گلاب شنا چون رکھ پوش من گلاب شنا گلشنن من گلشنن من سینتی خواب شنا چون رکھ پوش من گلاب. तो यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये कश्मीरी सॉन्ग सुन के, क्योंकि ये अपना ही अपने कल्चर का में सॉन्ग है अपनी कश्मीरी में, बहुत मज़ा आया सुनने में. तो चलो हम आगे चलते हैं. यहाँ पे आप ये बोर्ड्स जो है लगे हुए, ये आप देखोगे बहुत जगहों पे यहाँ पे है टुलिप गार्डन में, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग किस्म के फूल है, अलग अलग उनके, जैसे हम अपने खेतों में अलग अलग लगाते हैं वैसे यहाँ पे भी अलग अलग है, और उन पे बोर्ड लगे हुए हैं लाइक डेफोडिल्स एट्सेट्रा होते हैं यहाँ पे टुलिप्स. टुलिप गार्डन में नियर अबाउट 75 और 65 एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, इतनी वेराइटीज़ के यहाँ पे फ्लावर्स होते हैं, और यहाँ पे 1.5 मिलियन फ्लावर्स टोटल होते हैं. 1.5 मिलियन ये जो आप माउंटेन्स देख रहे हैं ये जबरवन माउंटेन्स के नाम से जाने जाते हैं. यही माउंटेन्स इन्हीं के दामन तले टुलिप गार्डन वहाँ का है, या निशांत शालीमर है, बॉटनिकल गार्डन है, ये सारे गार्डन जबरवन माउंटेन्स के नीचे वाक है. तो चलो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और घूमते हैं, पूरा देखते हैं, और यहाँ जो मेन व्यू पॉइंट है वहाँ पर हम चलते हैं. टुलिप गार्डन में आप बहुत फुवारे भी देखोगे, लेकिन ये वाला जो फुवारा है ये यहाँ का मेन पॉइंट व्यू पॉइंट जो है वहाँ पे है. तो आपको दिखाते हैं यहाँ से पूरा नज़ारा कैसा दिखता है. यहाँ पूरे लेफ्ट राइट, मतलब ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट पे भी फूल लगे हुए हैं, और ये बीच में है, ये देखिए. टुलिप गार्डन में आके हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई, क्योंकि हमारे कश्मीर में एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है, जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं. हमारे कश्मीर को जन्नत कहा जाता है. तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई यहाँ आके, बहुत मज़े किए हमने, बहुत इन्जॉय किया. तो हमने यहाँ पे लोगों से भी बातें की, लेकिन वीडियो बड़ी हो गई. तो इंशाल्लाह हम वो पार्ट टू में इसके दिखाएंगे लोगों का क्या रिएक्शन था यहाँ पे, क्या क्या बातें की हमने. तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से इसका एग्ज़िट पॉइंट आता है टुलिप गार्डन का, ये देखिए. अब हम चलते हैं बाहर. तो गाइज़ आप लोगों ने इस एशिया के लार्जेस्ट टुलिप गार्डन की आपने ये खूबसूरती देखी, इसके हसीन नज़ारे आपने देखे. तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक कमेंट करना ना भूले. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे आने वाली वीडियोस की सबसे पहले. बाकी मिलते हैं अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.